तरीके से नाराजगी अपनी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अब जवाब मांगा है तो डेंगू को लेकर के, तो फिलहाल डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है डेंगू को लेकर के, हाई कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी कि राज्य सरकारें आखिर क्या कर रही हैं। राज्य सरकार की बात करें तो फिलहाल डेंगू से बचाव के लिए, डेंगू से निपटने के लिए क्या कुछ उचित इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर के जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त नज़र नहीं आ रही हैं, जिसको लेकर के अब हाई कोर्ट में आज एक बार फिर इस मामले को सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो बढ़ते मामले देखिए, अंबेडकर नगर की बात करें तो किस तरीके से 222 संख्या हो गई, अकबरपुर में 33 और मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 16 मरीज भर्ती हैं। डेंगू का कहर किस तरीके से लगातार कहर बरपा रहा है, अंबेडकर नगर में बेकाबू हुआ, यहाँ पर जो हालात हैं, जो तस्वीर नजर आ रही है, हालांकि व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं लेकिन उन तमाम सारी व्यवस्थाओं के बीच भी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। तो अंबेडकर नगर की हम बात करें जहां पर बेकाबू हुआ डेंगू, बीते 24 घंटे में मिले डेंगू के 7 नए मरीज, कुल डेंगू मरीजों की संख्या 222 हो गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सीमा नकवी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सीमा, बेकाबू होते डेंगू पर अब देखिए कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है अव्यवस्थाओं को लेकर के। है कि उत्तर प्रदेश में डेंगू के जब से मरीज बढ़ना शुरू हुए तो सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से अनियंत्रित हो रहा है डेंगू, तो हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से जवाब तलब किया है और तैयारियों का ब्यौरा मांगा है कि क्या कुछ तैयारियां जो है वो सरकार की तरफ से डेंगू को लेकर की गई हैं। अभी दो दिन पहले ही बात हुई थी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से, जो कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने बताया था कि बेड वगैरह की व्यवस्थाएं जो है वो पर्याप्त हैं और इलाज के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी यहाँ पर तमाम जगहों पर फॉगिंग वगैरह की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि मच्छर मरें, और स्प्रे भी, स्प्रे मशीन के जरिए जो है वो लार्वा को मारने के लिए छिड़काव भी किया जा रहा है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं चारों तरफ चाक चौबंद की गई हैं, लेकिन आज सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है तो जाहिर है कि सरकार को जवाब देना होगा कि डेंगू के लिए क्या कुछ किया गया है। हालांकि हालात जो है वो अब धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं, पहले बीच में बड़ी संख्या में मरीज थे और कई लोगों की मौतें भी डेंगू से हुई थी, लेकिन अब हालात जो है वो धीरे धीरे नियंत्रित हो रहे हैं और तमाम जगहों पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू का अगर कोई भी मरीज आता है तो बिना उपचार के उसको वापस ना भेजा जाए। बिल्कुल सख्त निर्देशों का अस्पतालों को पालन भी करना होगा। सीमा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता वेद भी हमारे साथ जुड़ गए। वेद, अगर बात करें 24 घंटे में किस तरीके से 7 नए मरीज आए, आंकड़े खुद ब खुद गवाए, कहने की और पूछने की शायद ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। वेद, ये आंकड़ा जो है जिले में जो है 222 के करीब में डेंगू के मरीज, ये आंकड़ा बीते जनवरी में आकर, लेकिन पिछले जो है अक्टूबर से जो है ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हालात जो है बस से बदतर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है कि स्वास्थ्य विभाग जो है पर्याप्त मात्रा में सुविधाओं को मुहैया नहीं करवा पा रहा है। अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल में एक वार्ड बनाया गया है जो 24 घंटे बंद रहता है, लेकिन वही मेडिकल कॉलेज का जो वार्ड है वो महज 30 बेड का बनाया गया जहां पे डेंगू के मरीजों को एडमिट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्थाएं हो पर्याप्त मात्रा में नहीं, स्वास्थ्य विभाग की पूरी लापरवाही है, जबकि पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कई जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, डेंगू अस्पताल जहां डेंगू के मरीज भर्ती वहां भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है इन सबसे भी सीख नहीं ले रहा, तो हालांकि जो है स्वास्थ्य विभाग को भी और बेहतर व्यवस्थाएं करानी चाहिए। सरकार अब जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया वेद आपका भी और सीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर अमरोहा से।